राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोमवार सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण शारजाह से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं खराब मौसम की वजह से करीब 30 फ्लाइट लेट हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का कहना है कि हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी बहुत कम है और यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से अभी तक करीब 30 उड़ानें कई घंटे लेट हो चुकी हैं, जिस वजह से वहां बैठे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा है, हमारी यूपी से ज्यादा दिल्ली में, लखनऊ से ज्यादा। मैं प्रॉपर लखनऊ में बिलोंग करता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से ज्यादा यहाँ पॉल्यूशन है। यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, मतलब यहाँ पे आप जाना सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। रीजन मानते हैं, रीजन अगर आप रीजन लीजिए तो मेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर रही है, और बहुत सारे रीजन है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में और रिगार्डिंग पूरे NCR में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा ठंड और घने कोहरे की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 335 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। अधिकतर ट्रेनें 10 से 12 घंटे की देरी से अपने स्टेशन पर पहुंच रही हैं। इनमें अधिकतर ट्रेनें उत्तर भारत की हैं। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। नवम्बर दिसम्बर में ट्रेनों में लगाए गए फॉग सेफ्टी डिवाइस के साथ अन्य प्रबंध का भी असर नहीं दिख रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार घने कोहरे में कम विजिबिलिटी के चलते 487 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दो घंटे लेट है ट्रेन, बहुत कोहरा पड़ रहा है, बहुत मचक मचक गाड़ी आई है। हाँ, बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा वहाँ के हिसाब से, बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा। कितनी देर लेट आ रही है? कम से कम दो घंटे लेट आ रही, मचक मचक, बहुत मंदी मंदी गाड़ी आई, बिल्कुल भीड़ भड़क का बहुत ज्यादा थी, परेशानी में बहुत आई, बहुत ठंड है।